पहले लाइक कर देना, दो जने आ चुके हैं लाइक में। हेलो महाजन जी, कैसे हो आप? लाइक को पहले लाइक कर देना यार। हाय शुभम सिंह जी, कैसे हो? हेलो, वेलकम टू माय लाइव। राधे राधे आप सभी को। लाइक कर दो लाइक। मैं पता है एक चीज कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरी आवाज वैसे क्लियर आ रही है ना, पहले बता दो आप लोग मैं कहाँ से हूँ। गुड़गांव से हूँ। व्लॉग वॉच करा करो यार, गुड़गांव से हूँ मैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको? जय भोलेनाथ। मेरी आवाज़ बताओ पहले, क्लियर आ रही है नहीं आ रही? मैं पीछे करता था तभी करता हूँ, भूल गया था। सभी वॉच करता हूँ, भूल गए थे। कैसे भूल जाते हो यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। और बताइए। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे रिक्वेस्टेड, जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। काफ़ी लोगों की नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट होती है, तो उनमें से जो मुझे जो ज़्यादा लगती है ना कि हाँ ये वाली रिक्वेस्ट ज़्यादा आई है, तो मैं उसको बना देती हूँ उसका ब्लॉग। बट लाइक आप लोग ब्लॉग में नहीं करते। मैं आपका कहना मान लेती हूँ, सुन लेती हूँ और कर भी देती हूँ, बट आप लोग ना ब्लॉग लाइक नहीं करते। तो ब्लॉग को प्लीज़ वॉच करो, करो तो लाइक भी कर दो, पैसे कोई लगते हैं लाइक में। अभी देखो लाइव चल रही है, अभी लाइव में भी आपको ने अभी तक लाइक नहीं करा, सिर्फ एक चैनल लाइक करा। फटाफट लाइक कर दो पहले। हाँ, यूट्यूब ऑफिशियल नहीं देते। इंस्टा, इंस्टा पे आपने कब मैसेज करा? मैं इंस्टा पे तो यार बस पूछो मत ही ना, इंस्टा पे तो इतने मैसेज आते हैं ना, इतने मैसेज कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन ने किसने किसने भेजा है। तो इंस्टा पे जो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं, मैं उन्हीं को ही मोस्टली रिप्लाई दे पाती हूँ। और हाँ, रिक्वेस्ट होती है तो वो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं पढ़ती। इंस्टा पे भी मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह आती है तो मैं सुन भी लेती हूँ और उसको लाइक भी कर देती हूँ। आपने बहुत बार क्या करा आपने, बताओ मुझे। थैंक यू यूट्यूब ऑफिशियल जी। और यूट्यूब जी ऑफिशियल जो आपने लिखा हुआ है नाम, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मेरे फेस कवर तो काफ़ी पसंद आते हैं, बट मेरे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते, या कुछ कमी लगती है मेरे ब्लॉग में, या मेरी फैमिली आप लोगों को पसंद नहीं है, कुछ बताओ यार। क्योंकि 2 साल हो गए ब्लॉग बनाते बनाते, बट व्यूज़ आ जाते हैं, बट इतने नहीं आते जितने आने चाहिए, और लाइक तो आते ही नहीं है यार। लाइक तो बहुत कम आते हैं, बट आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? बस मैं वो वजह भी पूछने वाली हूँ आज लाइव में कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ बता दो मुझे पैसे लगते हैं क्या आपकी लाइफ में, बता देना मुझे अभी। मैं वैसे भी रिक्वेस्टेड लाइव है, तो बस मैं स्टॉल वगैरह फेस कर वगैरह करूँगी, तो पहले आ जाए 2 4 जने और फिर करते हैं आराम से। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? आई सी योर फेस कवर ऑनली, स्किप एवरी अदर थिंग्स इन योर। ओह माय गॉड, मतलब साफ साफ बोल दिया आपने, अरे बाबा। मैं आपकी बात नहीं मानती, मैं सबकी ही बात सुनती हूँ। अब मैं पर्सनली एक जने की बात नहीं सुन सकती ना, ये भी तो देखो ना आप, अगर आप मेरी जगह पे होते हैं तो सबकी बात कैसे सुन पाते हैं? आप नहीं सुन पाते ना, तो मुझे सबकी बात सुननी पड़ती है। तो जो ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है मैं उसका ब्लॉग बना देती हूँ। हाय राजेश सिंह जी, करो क्या मेरे चैलेंज? आप क्या चैलेंज है आपका? वो सॉक्स वाला मत बोलना, क्योंकि मुझे याद है आपने सॉक्स वाला बोला, वो मैंने ब्लॉग में सॉक्स पहन के पर्सनली दिखाया भी है,
तो अभी लाइव में सॉक्स वाला तो नहीं। मयंक जी हेलो जी, राजेश जी मैं अच्छी हूँ, राजेश जी पहले लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो यार, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, लाइक लाइक कर दे करो यार, पैसे नहीं लगते यार, फ्री में है लाइक यार ऑप्शन। दुनिया को ना मतलब लोगों को खुशी देनी चाहिए, मुझे खुशी होगी अगर आप लाइक कर दोगे तो, बस ऊपर वाला फिर आपके लिए भी अच्छा ही करेगा, और अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। आपको सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा, आप कैश ही नहीं करते मेरी, सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा, क्यों नहीं है सपोर्ट करने का फ़ायदा यार, कैसे मैं सबकी रिक्वेस्ट मानती हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी पर्सनली की, मैं आपकी शायद सॉक्स वाली थी मे बी, है ना, श्योर हूँ ना मैं, ट्रांसपेरेंट सॉक्स मेरे पास नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं ट्रांसपेरेंट सॉक्स, मेरे पास जो अवेलेबल होगी मैं वो ही तो बनाऊंगी ना मेरे पास नहीं है। हाँ आप ये कर सकते हो कि मुझे आप दे सकते हो इंस्टा पे पर्सनली मुझे डीएम वगैरह करो, इंस्टा का अकाउंट भी मेरा 30 कितना पॉइंट हो गया, एक पे तो 30,000 के करीब फॉलोअर्स है, 30.8 और एक पे 33.8 कुछ ऐसा फॉलोअर्स है। तो इंस्टा का अकाउंट दोनों मेरे नीचे, दो ऑफिशियल अकाउंट है, तो इन दोनों पे आप फॉलो कर लेना, जो भी कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ भी बात हो, मुझसे कोई रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट करवानी मतलब करवानी हो तो इंस्टा पे डीएम वगैरह करना, इंस्टा पे मैं ज़रूर मैसेज करती हूँ। हो पहले आप लाइक डन करिए, लुक हाय इंस्टा की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, हर बार डिस्क्रिप्शन में रहती है मेरी इंस्टा की आईडी, और मेरे बेटे ने भी अपना एक गेमिंग चैनल खोला है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना मेरे बेटा का गेमिंग चैनल भी। ठीक है मैं ये कर देती हूँ, पहले आप लोगों से एक चीज़ कह रही हूँ, पहले लाइव को मेरी लाइक कर दो वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा फिर लाइव में आने, ठीक है पहले लाइक कर दो तब तो अच्छा लगेगा वरना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा फेस तो भाई इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, थैंक यू सो मच, ब्लॉग भी ऐसी पसंद कर लिया करो, अगर मैं आप लोग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग और जो भी कोई मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ उसको लाइक कर दे करो, बस यही तो करती हूँ मैं, ये उम्मीद तो पाल सकते हैं ना यार, मैं ऑफकोर्स यार मेहनत करते हैं तो बस उसी का बस यूँ ही तो कहते हैं कि बस आप लोग लाइक कर दो, लाइक का कोई चार्ज कोई लगता है तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, लाइक कर दे करो यार। अभी तक लाइक नहीं हुए मैं हटा रही हूँ, लाइक नहीं हुए लाइक डन नहीं हुए, लाइक नहीं हुए अभी तक, 7 जने लाइव में हैं और 3 लाइक है, लाइक कर दिया बट लाइक 4 हुए हैं, 5 हो गए लाइक, अगर ये फेस कवर चाहते हो तो पूरे 8 हो गए, 8 जने अब 8 जने हो गए, पहले लाइक कर दो, लाइक नहीं करते यार आप लोग, मज़ा नहीं आता यार लाइव में आने में भी, मांगना पड़ता है आधी से ज़्यादा लाइक तो मेरी यूँ ही भर जाती है, लाइक कर दो अपने आप कर दे करो यार, मक्खी कहाँ से आ गई, अपने आप कर दे करो यार लाइक, हम अगर टाइम वेस्ट होता है ऐसे मैं 4-5 स्टॉल अभी तक आपको फेस कवर करके दिखा चुकी होती, लाइक कर दो यार पहले, लाइक करो 7 जने लाइव में, लाइक कर लो, मैं फेस कवर कर रही हूँ, लाइक करो पहले, चलो कर देती हूँ, आप लोग भी ना बहुत वो पहले चाहते हो कि पहले करें फिर लाइक करेंगे ना, कर दिया लाइक कर दो पहले 5 जने, हाँ
मैसेज पढ़ रही हूँ मैं मैसेज, ठीक है। फेस कवर बहुत सारे दुपट्टा से करो प्लीज, बहुत सारे दुपट्टा से करो, एक एक करके करूँगी ना। मेरी रिंग लाइट दिख रही है। गंदा लग रहा है, कैसा लग रहा है सच में देखो, ऐसा सही लग रहा है। मैं सॉक्स पहनती नहीं। विंटर में पहनती हूँ, विंटर की सॉक्स है, समर की सॉक्स नहीं है। समर की सॉक्स है बट वो ख़राब हो चुकी है। मोस्टली पता है समर में पता है क्या होता है कि मैं ना जूते शूज वगैरह पहन लेती हूँ, जूती होती ना, तो जूती के नीचे सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सॉक्स तो इसलिए पहनते हैं ना कि धूप से हमारे पैर बच जाए, टैनिंग वगैरह ना हो, तो मैं इसलिए पहन लेती। मैम यू आर नॉट रीडिंग माई मैसेज, नॉट रीडिंग माई मैसेज, सबके मैसेज पढ़ रही है, ऐसे कैसे बोल रहे हो आपको, आपकी गिफ्ट कर दूँगा। कर देना गिफ्ट यार। इंस्टा पे पता आपको कुछ भी करवाना ना, पहले मुझे दे करो, फिर मैं उससे फिर आप बोला करो कि मैम मैंने आपको भेजा है पार्सल, आप उससे वीडियो बनाओ। पहले तो मुझे आपकी एक जने की नहीं होती, काफ़ी सारे लोग बाग रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो मैं सबकी अब वही, कोई कहता ब्लैक स्टॉल लेके आओ, कोई कहता वाइट स्टॉल लेके आओ, कोई कहता हाथ का ग्लव्स लेके आओ, ये ब्लैक कलर का लेके आओ, स्किन कलर का लेके आओ, वाइट कलर का लेके आओ, तो हर चीज़ घर में अवेलेबल नहीं होती ना, बाजार से खरीदनी पड़ती है ना, तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग। अब इतना डिटेल में इंस्टा पे पूछना, मैम प्लीज अनदर दुपट्टा, अनदर दुपट्टा ऐसे ही तो करा है, अभी दूसरे से करा था, अब दूसरे से कर रही हूँ, देखो ना अभी। पहले है ना आप लोग ना लाइक कर देना, लाइक और पढ़ लो मैसेज, पढ़ रही मैं मैसेज, पढ़ लिया। इंस्टा पे बताऊंगी मैं, महाजन जी इंस्टा पे मैसेज करना, मैम शो कलेक्शन, कलेक्शन देखना चाह रहे हो। कलेक्शन दिखा दिया तो आप लोगों की रिक्वेस्ट ख़त्म नहीं होगी। कलेक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, इंस्टा आईडी का जब मैं ये पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उधर से विजिट कर लेना। मेरा यही नेम है जो यूट्यूब पे नेम है, वही मेरा इंस्टा पे नेम है। मैं ग्लव्स ढूंढ रही थी, ग्लव्स कहाँ गायब हो गए। ऐसा होता है पता है, जब एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है ना तो चीज़ें खो जाती है मेरी, और वो मेरे पास एक ही ग्लव्स था, तो मुझे लग रहा वो मिल नहीं रहा, मिल गया, फाइनली मिल गया। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन आप मेरे टाइटल को टच करोगे तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा लिखा हुआ, बस। फाइन, एक ही है, एक हो गया। हो गया एक ही है पास क्लब्स। मैं अच्छी हूँ सुमी जी, हाय सुमी। मैंने बोला ना समस्या मेरे पास एक भी नहीं है मैम, ब्लैक दुपट्टा से ब्लाइंड फोल्ड करना प्लीज़। ब्लाइंड फोल्ड करूँगी तो मैसेज कैसे पढ़ूंगी यार, आप भी कैसी बात कर रहे हो यार, लाइफ में हूँ, ब्लाइंड फोल्ड कैसे करूँगी, मैसेज कैसे पढ़ूंगी यार, मुझे औरों को भी तो देखना है, सिर्फ आपको ही देखना है। आप रिक्वेस्ट सब करो ना, आँखें क्यों बंद करवा रहे हो। थैंक यू
मेरा हेल्प करो जी। हाँ जी सुमी जी बताइए क्या हेल्प करनी है आपकी। मैं आपको फर्स्ट टाइम स्कार्फ बांधना किसने सिखाया है था? मुझे फर्स्ट टाइम स्कार्फ बांधना मैंने खुद ही ने सीखा था खुद ही ने सीखा था यार, क्योंकि अपने आप को जब बचाना होता है ना तो मान लिया जो मुझे कंफर्टेबल भी लगा, किसी से कहीं से कुछ कॉपी वॉपी नहीं करा मैं खुद ही ने। ये मेरा ये देखते हो गए हर बार मैं ऐसे ही स्टाइल में फेस कवर करके जाती हूँ, तो कोई स्टाइल मैंने यूट्यूब से कोई कॉपी नहीं करा, ये मेरा खुद का है तो शायद इसलिए आप लोग इतना पसंद करते हो। अब सर्जिकल ग्लव्स कहाँ से लाऊं? मैं वो ही कह रही हूँ कि इतनी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं हो सकती ना। अब सर्जिकल ग्लव्स मेरे पहले लाइफ में देखा होगा आपने, बट वो मेरा बेटी ने उसको कैची चला दी तो वो फट चुका है सर्जिकल ग्लव्स। तो अभी बस मेरे पास एक ग्लव्स ये है, ये हाथ का फिंगर वाला है और एक हैंड वाला है, मैं दिखा देती हूँ। एक हैंड वाला नेट दुपट्टा, चलो मैं एक बार ना ये वाला इससे कर देती हूँ फेस कवर, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो नेट वाला दुपट्टा, नेट वाला दुपट्टा तो नहीं है जी, नेट वाला नहीं है, ये वाला है वाइट शो। रेड वाले से, अच्छा रेड वाले से, हाँ रेड वाला नेट का है, सॉरी यार दिखा नहीं मेरे को, ये नेट का है। लाइक कर दो, 8 जने लाइव में आ गए, लाइक कर दो पहले, लाइक हाँ इस वाले से कर दिया, देखो मैंने अच्छे से। मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट ऐसा मैं करती हूँ आप लोग की, बस आप लोग मेरे ब्लॉग को भी लाइक कर दे करो यार कह रही हूँ ना लाइक की बड़ी कमी है भाई। हैंकी, हैंकी नहीं है, इतना बड़ा हैंकी कौन यूज़ करता है? मेरे हस्बैंड इतने बड़े बड़े हैंकी यूज़ नहीं करते जिससे मैं अपना फेस कवर करूँ। तो मैंने अपने फेस कवर के लिए अपने स्टॉल्स वगैरह रख रखी है, बस मैं उसी से करती हूँ फेस कवर। फाइन, ब्राउन कलर वाला नहीं है यार, नहीं है चैनल, थर्ड चैनल नहीं है मेरे पास। हेलो सुमी जी, सुमी जी बताइए क्या बात थी, बताइए रिक्वेस्ट, मेरे भी रिक्वेस्ट है, बताइए बताइए। मैं मेरे वाइट नेट दुपट्टा से करने दो, पहले दिखाया था उससे। ओके मैम, आपने रियल लाइफ में किसको बांधना सिखाया है? इसका किसको बांधना है? मैंने अपनी मदर को सिखाया है, अपनी सिस्टर को सिखाया है, और बस मेरे हस्बैंड करते नहीं है, देखा ही नहीं होगा उनको तो कभी स्कार्फ पहने हुए। और अपनी बेटी को कहती हूँ, धूप में उसको लेके जाती हूँ ना तो स्कार्फ बांध के मैं बोलती हूँ, बट वो उसको ना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है तो वो करती नहीं है। क्या कौन सा वाइट वाला ना? अब वाइट वाला कहाँ ढूंढूंगा, यही होता है इतनी सारी स्टॉल के साथ, ये रहा वाइट कंफ्यूज हो जाती है यार मैं भी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ मैं कर रही कर विदाउट नेट, हाँ ये विदाउट नेट है भाई जाना।
ग्लव्स मेरे पास सिर्फ स्किन कलर का, वो भी एक है, क्योंकि मैं ग्लव्स, मुझे फ़ोन चलाना होता है ना, तो मैं ग्लव्स ना फिंगर वाले नहीं पहनती, मैं ये वाले ग्लव्स पहनती हूँ। मैं दिखाऊँ इन पर, पहले इसका बांध देती हूँ फिर दिखा। हेलो हेलो, लाइक कर दो, लाइक लाइक करते जाओ यार, लाइव में आ रहे हो, लाइक करते जाओ। मेरे पास ये वाले ग्लव्स रहते हैं क्योंकि इससे ना स्कूटी चलाने में मुझे बहुत आसानी होती है, और फ़ोन वोन जैसे चलाना होता है तो फ़ोन भी बहुत आराम से चल जाता है, वो फिंगर वाले से फ़ोन वगैरह चलाने में बहुत मुश्किल होती है। शो ऑल दुपट्टा, इसका पूरा कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी पूरा ब्लॉग में गूगल। अच्छा सुपर चैट कर लो, सुपर चैट से मैं रिक्वेस्ट ऐसा करूँगी, जो जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, और सुपर चैट करो तब मैं रुका एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। सुपर चैट कर लो बाप, मैं एक बार इसको सुपर चैट हो गया, मैं रुका एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। जब तक मेरी जो मर्जी आएगी अब तक मैं वो करूँगी, ठीक है। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट पूरी करवानी है तो सुपर चैट करो। देखो कुछ देर मैंने, आधा घंटा, मतलब 23 मिनट मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, अब सुपर चैट करो तब एक्सेप्ट करूँगी अब मैं। वरना जो मैं कर रही हूँ वो देखते जाओ। नाम बताओ, नाम मैं कह रही हूँ ना आपसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आराम से चले जाना वहाँ पे विजिट कर लेना। मैंने 24 मिनट सबके, 23 मिनट सबके रिक्वेस्ट सब कर ली है, जिनकी नहीं हुई है आप सुपर चैट करोगे तब मैं रिक्वेस्ट सब करूँगी। मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही, अभी शो नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, वीडियो पोस्ट करने के बाद ही डालती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, तो अभी लाइव में अभी मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है। मैं भी करूँगी ना दुपट्टा से भी, थोड़ी थोड़ी देर रखूंगी ये, काफी लॉन्ग है ग्लव्स मेरे, ये हाय सलमान जी।
हेलो हेलो। अब मैं करती जा रही हूँ, आप लोग देखते रहो। और अपनी जो कैसे मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, किसी को इग्नोर नहीं कर रही, मैं सबके मैसेज पढ़ रही हूँ। और 24 मिनट तो मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और अगर आप लोग को और रिक्वेस्ट करनी है तो सुपर चैट कर लो और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं अभी 30 मिनट्स हूँ लाइव में, 1 घंटे की लाइव है मेरी, अभी 30 मिनट्स और हुए लाइव में। तो अब रिक्वेस्ट अगर करनी है सुपर चैट के साथ मैं सब करूँगी, वरना अभी मैं जैसा मैं कर रही हूँ वो आप देख लो, अच्छा ही कर रही हूँ, एंटरटेनिंग लाइव है, फेस कवर से रिलेटेड है। राजेश सिंह 22 रुपए का सुपर चैट। बताइए राजेश सिंह जी। फाइन, मैं मैसेज बहुत दूर है मेरे से कैमरा, मुझे आगे आना पड़ रहा है, तो सुपर चैट कलरफुल रहती है, हाईलाइट हो रही है तो मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी दूर कर दिया मैंने कैमरा भी और फेस कवर कर रही हूँ, उसमें बिजी हूँ मैं। दुपट्टा है ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है कुछ सेकंड करूँगी, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड करके ना मैं मैसेज वगैरह भी नहीं पढ़ पाऊँगी और सुपर चैट भी नहीं देख पाऊँगी किससे नेक्स्ट करी, ठीक है तो कुछ ही सेकंड करूँगी, ठीक है। बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे कैसे रिक्वेस्ट करवाते यार आप लोग, ठीक है मैं एक बार कर देती हूँ, ठीक है कुछ ही सेकंड करूँगी, ओनली 5 सेकंड, ठीक है काउंट कर लेना आप। अब मैं तो 1 2 3 मुँह से ही काउंट कर पाऊँगी, बट आप लोग वैसे काउंट कर लेना, सामने टाइमिंग चल रहा है बट मैं देख ही नहीं पाऊँगी यार, बहुत अटपटा लग रहा है पर फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कर लेती थोड़ा सा, और दोबारा मत बोलना ये वाला, बहुत मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है फाइन फाइन हो गया। मैंने आपका मैंने बोल दिया ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है आपने सुपर चैट करी ब्लाइंड फोल्ड के लिए, बस वो मैंने कर दी, ठीक है और 5 सेकंड से ज़्यादा ही करी होगी मैंने,
रेड दुपट्टा से मैंने फेस कवर कर लिया। मैंने कैमरा बहुत दूर करा हुआ है, मुझे मैसेज बहुत कम दिखाई दे रहा है, मैं और दूर कर देती हूँ क्योंकि मैं फेस कवर कर रही हूँ। आप लोग को अच्छे से दिखना चाहिए फेस कवर मेरा, ठीक है? आप सुपर चैट करना तो मुझे दिख जाएगा वो। मैंने अभी रेड वाले से करा था, अभी करा है मैंने, कोई नहीं मैं दोबारा कर देती हूँ। कैमरे की मैं रोशनी थोड़ा सा हाई कर देती हूँ। मैंने कैमरा बहुत दूर करा हुआ है, मुझे मैसेज नहीं पढ़ नहीं पा रही मैं मैसेज, ठीक है? सुपर चैट कर दोगे तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा तो वो मैं पढ़ लूँगी। और वैसे मैं फेस कवर कर ही रही हूँ और आप लोगों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है क्योंकि मैंने 24 मिनट मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये आपने पहले नहीं बोला था, आपने बोला था ब्लाइंड फोल्ड, आपने कोई वो नहीं बोला था कि कौन से कलर से करना था कौन से नहीं, ये आपको पहले बोलना था।
यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत हो गई है यहाँ पे। ये वाला रेड ग्लव्स कहाँ ढूंढू, ग्लव्स कहाँ गायब हो गया यार। ये ग्लव्स नहीं है मेरे, फिंगर वाले ग्लव्स नहीं है। अच्छा जो जो ये चैट कर रहे हैं ये क्या फेस कवर करते हैं बताओ मुझे, या खाली आप लोग मेरा ही फेस कवर देखते हो खुद भी करते हो। ये वाला ग्लव्स है, हेलो बहुत गर्मी लग रही है। ये लास्ट बार है ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला ब्लाइंड फोल्ड वाला नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्लीज़ ये वाला लास्ट है, वो भी आपने सुपर चैट करी थी इस वजह से कर रही हूँ मैं। अब सिर्फ सुपर चैट वालों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। कभी आप कहो कि मैम मेरी भी करो, मेरी भी करो। एक दो तीन चार पाँच अब ये मैं दोबारा नहीं करूँगी ठीक है। सुपर चैट भी करोगे अगर ब्लाइंड फोल्ड के लिए तब भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही, कुछ देख नहीं पा रही, तो इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। फेस कवर तक ठीक है, ओके फाइन ठीक है, बस इतना ही करना। मैं वैसे पहले भी लाइव में बता चुकी हूँ 15 मिनट की और लाइव है, ये 20 मिनट की, सॉरी 20 मिनट की और लाइव है। कि मैंने डबल कर रखा डबल लेयर ठीक है, और इसको मैं उसको ज़्यादा करूँगी। ये बॉयज़ के लिए बता रही हूँ मैं, तो बाल है ना बॉयज़ के तो क्या बाल वगैरह नहीं होते, बट यहाँ मैंने बाल अपने ओपन कर रखे हैं तो बाल खींच रहे हैं। हाँ मैं थोड़ा सा ना आईज क्लोज कर दी थी, थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी मैं, बट अब फाइन
आपने करी थी तो मैंने कर दिया। एंग्री नहीं, थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी, गुस्सा वाली कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा जो चीज अपने को अच्छी ना लगे वो फिर करने में मजा नहीं है ना। हाय अंजू जी, ठीक है, ये बॉयज के लिए नहीं है, सॉरी मैं क्या कर रही थी, ये बॉयज के लिए, ये मैंने यहाँ से ये पकड़ लिया, गांठ नहीं बांधी है मैंने, और ये यहाँ से डबल लेयर पे ये यूँ करके, और ये देखो बाल मेरे पीछे से, क्योंकि मैंने हाफ लिया है ना, क्योंकि तो बॉयज ना ज़्यादा अपना हेयर स्टाइल खराब नहीं करने देते, खराब मतलब होने नहीं देते फेस कर की वजह से, क्यों बॉयज स्टाइल में है ये, थोड़ा सा पीछे से दिखाई देगा ये। ठीक है, ये पूरा पूरा ढका रहता है, ठीक है, ये लियो, ये ठीक है, ऐसे रहता है। ट्वेंटी फोर आवर तो नहीं, पर 12 आवर कर सकती हूँ, 24 आवर में फिर वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरी ना जो भी जितने मैं चैलेंज वगैरह करती हूँ मेरे फेक नहीं होते, मेरे रियल होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के चैलेंज देखती हूँ तो काफ़ी लोगों के मुझे फेक लगते हैं, काफ़ी लोग करते हैं फेक, बट मेरा रियल रहता है, मैं कोई फेक वेक नहीं करती, मेरा रियल रहता है, इसलिए मैं 24 आवर बिल्कुल नहीं कर पाती, 12 आवर मैं कर सकती हूँ। एक बार मैंने बालकनी चैलेंज करा था, बहुत टफ था वो मेरे लिए, फेस कवर के साथ बालकनी चैलेंज बहुत टफ था वो मेरे लिए। मैम जब आप स्कूल में थे जब टीचर बच्चों को क्या पनिशमेंट देते हैं? मैं तो पनिशमेंट नहीं देती थी, सच बता रही हूँ, मैं एक अच्छी टीचर थी। मैं कोई पनिशमेंट नहीं देती थी, फाउंडेशन मैं यूज नहीं करती, फाउंडेशन मैं गुड़गांव से हूँ, आपके कॉलेज का पनिशमेंट, आपके कॉलेज में क्या, मैं कह रही हूँ ना पनिशमेंट बचपन में हम जब हम छोटे थे तभी पनिशमेंट वगैरह थोड़े बहुत हमने ली है, और कर पहले के टाइम पे था ही पनिशमेंट, अब नहीं है पनिशमेंट वगैरह, बस अब होमवर्क ज़्यादा दे दिया जाता है, बस इतना ही पनिशमेंट रहता है, या पेरेंट्स को बोल दिया जाता है कि पेरेंट्स को बुला के लेके आना या साइन करवाना, बस इतनी पनिशमेंट रहती है। आईब्रो थैंक यू सो मच, बट ये मेरे ओरिजिनल है, कोई नहीं है, मेरे बचपन में चोट लगी थी तो इतने मेरे हेयर नहीं आते। हाँ यार बचपन में पनिशमेंट मिलती थी तो हुए, बट अब नहीं है ये चीज़ें, और बिल्कुल बंद है ये चीज़ें, और ये चीज़ अगर मैं कहीं देखती भी हूँ या कोई टीचर्स वगैरह करती भी है, क्योंकि बट अभी मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है, बट उसके स्कूल में भी ऐसा कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती, बस बोल दिया जाता होमवर्क 3 टाइम्स करके आओ या 2 टाइम्स करके आओ, या पेरेंट्स को बुलाओ या सिग्नेचर लेके आओ पेरेंट्स के पास, इतनी पनिशमेंट अब है, इससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है बच्चों के लिए। बचपन में यार सबकी पिटाई होती है, सब लोग अपने मम्मी पापा से मार खाते हैं। सबकी पिटाई, आपकी भी पिटाई हुई होगी, मेरी भी हुई है, मैं तो घर में सबसे छोटी थी तो मैं सबसे ज़्यादा शैतान भी थी, मेरे बचपन के दिन तो बस पूछो मत ही ना यार। मैं सबसे अपने घर में ना सबसे छोटी थी ना, और मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी। सिंदूर चैलेंज 100 लिया सिंदूर, ये मुझे नहीं पता यार, जिस चीज़ के बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है ना, मैंने ऐसा कोई वीडियोस वगैरह देख रहा वो मैं कैसे करूँगी। हाँ जी सब बंद है,
वो अच्छी बात है बता है, क्योंकि आजकल बच्चे ना एक थप्पड़ क्या मार दो वो दिल पे लगा लेते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। बट पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो डंडे से पड़ते थे चप्पलें पड़ती थी, बट अब नहीं है, अब तो बच्चे अपने पेरेंट्स के एक थप्पड़ नहीं खा सकते हैं। अब ऐसा हो गया, जनरेशन कुछ ऐसी आ गई है, दिल पे लगा लेते हैं बच्चे, कुछ गलत कर लेते हैं। तो वो प्लीज़, अगर कोई बच्चा भी देख रहा है वीडियो तो प्लीज़ मत कर रखो, क्योंकि सब कुछ होता है हमारे भलाई के लिए होता है सब कुछ। पेरेंट्स जो हमें मारते हैं डांटते हैं तो हमारे भलाई के लिए करते हैं हम, जिससे कि आगे चल के कुछ गलत ना करें। हाँ मैं बहुत शैतान थी मैं आज भी शैतानी हूँ ब्लॉग आप देखते ही होंगे, मैं अपने हस्बैंड के साथ रील्स वगैरह भी बनाती हूँ तो खूब शैतानी वगैरह मेरी। हाँ, एंटरटेनिंग मतलब मैं खुद भी अपनी रियल लाइफ में भी एंटरटेनिंग करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं शूट कर रही हूँ वही एंटरटेनिंग, मेरे बैक कैमरे के पीछे भी मैं रियल लाइफ में भी खूब एंटरटेनिंग फैलाती रहती हूँ, और शैतान तो मैं हुई बच्चों के साथ आज भी थोड़ी बहुत मस्ती मेरी जारी रहती है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी हो गई तो मैच्योर हो गई हूँ, नहीं, आज भी मैं बच्चों के साथ खूब वैसे ही बचपन की तरह खेलती हूँ कभी कभी। पता नहीं कैसे कैसे चैलेंज होते हैं, मैं वही कह रही हूँ क्योंकि हर प्रकार के लोग आते हैं, कोई कैसा चैलेंज लेके आता है, कोई कैसा चैलेंज लेके आता है, तो मैं भी जाके ना वॉच करती हूँ कि यार ये चैलेंज बोला था ये कैसा होता है, क्योंकि अपने माइंड में फिर वो ही घूमता रहता है कि यार इस बंदे ने ये वाला चैलेंज बोला था ये होता कैसे है, तो हम खुद ही वो वॉच करने लग जाते हैं। मुझे भी कोई आइडिया, फेस कवर भी वो आप लोगों ने मुझे पता चला इतना, मैंने काफ़ी वीडियो देखे फेस कवर से रिलेटेड, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं फेस कवर में, मिलियंस तक गए हुए हैं उनके व्यूज़, वायरल है काफ़ी वीडियो फेस कवर में, मेरी भी काफ़ी वीडियो वायरल है फेस कवर में, बट ये क्यों है मुझे भी नहीं पता इसका क्वेश्चन मैं कई बार लाइव में पूछ चुकी हूँ कि फेस कवर इतना क्यों पसंद करते हैं। मैं तो जनरली जैसे मैं बाहर वगैरह जाती हूँ तो मैं तो सिंपल अपना धूप से बचने के लिए फेस कवर करती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आप लोग ही रिक्वेस्ट वगैरह करते हो कि मैम फेस कवर अच्छा लगता है तो व्लॉग बनाओ, तो मैंने क्लीनिंग चैलेंज बनाया, बालकनी लीपिंग चैलेंज बनाया, 24 आवर भी चैलेंज बना चुकी हूँ, 24 नहीं 12 आवर चैलेंज भी बना चुकी हूँ। तो मैंने काफ़ी फेस कवर मतलब ब्लॉग बना चुकी हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे फेस पे फेस कवर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे इसके बारे में पहले कोई आइडिया नहीं था। हाँ बस मैं वही कहती हूँ, अभी किसी ने मुझे बोला था ब्लाइंड फोल्ड करो, और सुपर चैट भी हो गई अभी देखा ही होगा तो, बट वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा है ना, ब्लाइंड फोल्ड करके क्या किसी को, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इसके लिए अच्छा मेरी टीचर कैसे मान, कोई किस्सा सुनाऊँ, किस्सा क्या सुनाऊँ। हमारी एक टीचर थी, बहुत ही खड़ूस थी हमारी एक टीचर, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी वो। पता है मुझे ना बहुत गंदा लगता था कॉपी पे भरना, मुझे कॉपी भरना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने बच्चे को भी ना मैं बहुत वो कहती हूँ, अपने बेटे को भी यही सिखाती हूँ कि कॉपी भरने से पहले ना हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, कॉपी भर रहे हो तो वो चीज़ ऐसा होनी चाहिए कि आपके खुद दिमाग में भरती चली जाए वो चीज़, ऐसा नहीं आप भरते जा रहे हो कॉपी। तो वो टीचर मेरी एक ऐसी थी वो सिर्फ कॉपी भरना जानती थी, और वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे कॉपी भरने से ना सख्त नफरत थी, तो मैं बहुत ज़्यादा काम चोर थी काम नहीं करती थी। मुझे जैसे नोट्स वगैरह होते थे टीचर क्लासेस में बोलती थी वो मैं नोट्स वगैरह बना लेती, बट मुझे कॉपी में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और जिस दिन डिमांड आ जाती थी ना कि हाँ कॉपी करनी है तैयार करनी है, एक दिन छुट्टी करी उस दिन चेकिंग हुई, दूसरे दिन छुट्टी करी फिर तीसरे दिन चेकिंग हुई, मैं छुट्टी करती थी मतलब जिस दिन पता चलता था कि हाँ मैम इस बार मैम पकड़ लेंगी शिवानी को पकड़ लेंगी कॉपी क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, तो मुझे सारी टीचर के डुप्लीकेट साइन आते थे। सच सच बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ट्राई मत करना जो भी कोई बच्चा देख रहा है, मुझे सारी टीचर के डुप्लीकेट साइन आते थे तो मैं साइन कर देती थी कॉपी
कॉपी बना लेती, साइन कर देती थी, क्योंकि मुझे ना मुझे ही लगता था कि खामा का कॉपी भरने में वो रद्दी में जाएगी, वो वेस्ट है। जो चीज़ हमें हमें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, जो चीज़ हमें उस समय कॉपी में भरने से क्या फ़ायदा। या तो हम, वैसे मैं खूब अच्छे से जो मैं नोट्स होते थे वो मैंने दो दो कॉपी के मैं खुद नोट्स तैयार करती थी, तो पढ़ाई मैंने काफ़ी अच्छे से सिंसियर रूप में करी है। जल्दी शादी हो गई बस तो पनिशमेंट यही रहती थी, पनिशमेंट वही हाथ ऊपर कर देते थे, और हाथ ऊपर करती थी टीचर्स, और राउंड लेने को कहती थी कि चार राउंड लेके आओ, पांच राउंड लेके आओ, ऐसी होती थी बस। और एक आधी थप्पड़ अप्पड़ पड़ जाते थे, बस ये रहता था। इस प्रकार का मैंने अच्छा व्लॉग वॉच करा करो यार, लाइक करते करो यार, लाइक नहीं करते आप लोग। डंडे कैसे पड़ते थे? डंडे अंडे यार, डंडे ऐसे नहीं पड़ते थे, हाँ नॉर्मल पड़ते थे, ऐसे नहीं कि हाँ बुरी तरह मार रहे हैं डंडे पे डंडे, ऐसे नहीं, ये चीज़ नहीं। जिस स्कूल में हम जाते थे वो अच्छा था स्कूल, ऐसी बात नहीं, गंदा था, अच्छा था वो स्कूल भी। क्या रिप्लाई नहीं की मैंने? मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ भाई, क्या शैतानी करते थे आप? अच्छा क्या शैतानी करती थी मैं? मैंने बताया ना मैं काम नहीं करती थी मैं कॉपी नहीं बनाती थी, नोटबुक्स मतलब स्कूल की नोटबुक्स वगैरह तैयार नहीं करती थी मैं, सिर्फ अपने नोट्स बनाती थी, हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, जो भी टीचर क्लास में पढ़ाती थी उसके नोट्स तैयार करती थी। जैसे क्लास में जैसे टीचर ने दिया कि हो ये करना है, ये काम करना है, ये करना, ये करना, मुझे वो पसंद नहीं आता। जैसे वो जैसे बुक में एक जैसे एक नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ बुक्स में, वही आपको नोटबुक में उतारना है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यार बुक में लिखा तो है काम का, नोटबुक में और उतारना है डबल डबल काम, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। नहीं इंजेक्शन वगैरह कैम पकड़ा ऐसा नहीं लगा था। स्कूल लाइफ तो यार सबकी अच्छी रहती है, मज़ेदार रहती है, यादगार रहती है। कॉलेज लाइफ तो खैर ऐसी रहती है, स्कूल लाइफ एक होती है यादगार वाली। मेरा तो खैर आज भी कांटेक्ट है मेरी फ्रेंडों से, स्कूल की फ्रेंडों से, तो शायद वो देखे तो व्लॉग, देखती भी है मेरी फ्रेंड्स वगैरह। क्या बोल रहे हो विनय शर्मा जी आप, कैसी क्या मतलब क्या लाइफ? अबे यार छोड़ो यार, इग्नोर, माइंड खराब नहीं करना, लाइफ में हर प्रकार के लोग आते हैं। अब मैं नहीं कर रही, अलग लगती। अब 55 मिनट्स रह गए, 5 मिनट्स और बचे हैं, मैं लाइफ से अब जाऊंगी 5 मिनट बाद, ठीक है? ये आप पहले भी मुझे कमेंट वगैरह कर चुके हो, और मैंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया ना लाइक करा कोई मैसेज, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ना देखना ना करना ना कुछ, पढ़ना भी पसंद नहीं है। मैं फैमिली व्लॉग है यार, इतने व्लॉग वॉच कर चुकी हूँ, फैमिली के साथ मैं अपना इंजॉय करती हूँ, अपने फैमिली व्लॉग है मेरे, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरा नीचे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतना तो कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। तो उसे सोच समझ के लिखा करो बस, और कुछ नहीं, ये देख लिया करो कि मैं हूँ तो जैसे आपकी सिस्टर है वैसी मैं हूँ आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम ना देख के लिखना, मुझे इस टाइप के पसंद नहीं है। ये लास्ट मैं फेस कवर करके लाइव ऑफ कर दूँगी, ठीक है? व्लॉग को मेरे वॉच करा करो यार। अच्छा मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, कि जैसे मैं अपने फैमिली व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को अच्छे लगते हैं?
अब आप बोलोगे दीदी ये क्वेश्चन तो आपको हर लाइफ में होता है, बट मुझे ना आप लोग लाइक नहीं करते ना, इस वजह से मेरे हर लाइफ में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पहले बताओ मेरे व्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं, व्लॉग वॉच करते हैं डेली, व्लॉग कौन कौन वॉच करता है? क्योंकि जिस हिसाब से मेरे फेस कवर में व्यूज़ आते हैं और व्लॉग में व्यूज़ एकदम अलग आते हैं, फेस कवर में व्यूज़ और लाइक अलग आते हैं, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ, आप लोग बताओ बाप। हाँ दी, मतलब मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं, कोई कमी हो तो बता दो यार। क्योंकि लगता है ना कि कोई भी, आप लोग तो खैर मेरे लिए अननोन हो, आप मुझे जानते नहीं हो, मेरी फैमिली तो मुझे शुरू से जानती है, मेरी आदत जानती है, मेरा नेचर जानती है, तो उनसे पूछती हूँ तो वो तो कहते हैं कि तू तो नॉर्मल है, जैसे तू पहले थी वैसी तू ब्लॉग में है, तू तो वैसी है, हमारे लेता हूँ। किसी अननोन से पूछो कि आपके ब्लॉग कैसे हैं, तो आप लोग मेरे लिए सारे अननोन ही हो, तो बताओ प्लीज़ मेरे ब्लॉग। हेलो निधि यादव जी, कैसे हो? बहुत लेट आए हो आप लाइफ में, अभी मैं जाने वाली हूँ लाइफ में, तो बता दो मेरे ब्लॉग कैसे हैं। नहीं नहीं कॉमन नहीं था, मेरे लिए कॉमन नहीं था, बट वो कमेंट चलो उसको लीव कर दो, वापस इस टॉपिक को यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है वो उसके बारे में चिंगम की तरह मैं और खींचना नहीं चाहती, ठीक है? उसके बारे में और बातें भी नहीं। मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ, मेरा टाइम हो गया 6, और बता दो जल्दी मेरे ब्लॉग पसंद आते ही नहीं आते पहले, ब्लॉग अरे भगवान। ब्लॉग बता दो वॉच, मैं जा रही, ठीक है हाय। ब्लॉग वॉच आते हैं नहीं, ब्लॉग वॉच करते हो, पसंद आते हैं नहीं आते यार, बता दो जल्दी से। मतलब एंड चल रहा है ना, तो सोच रहे हैं मैं जल्दी जल्दी आ लूँ, फिर क्या सब कर दूँ हैं। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है। हेलो शिवानी, हेलो, बहुत लेट आए हुए लाइव में, मैं अब जा रही हूँ लाइव से, मैं इसलिए बता के आई थी लाइव में कि मैं 3 बजे लाइव आई आऊँगी, फिर भी आप लोग नहीं आए, 4 बज गए हैं, मुझे भी घर का भी काम करना है। देखते हो ना ब्लॉग में, इस टाइम में लग जाती हूँ घर के काम में, मैं सुबह से उठ जाती हूँ ना तो मुझे फुर्सत नहीं होती, मैं लेट जाऊँ, दिन भर काम ही काम करती रहती हूँ, घर का कभी बाजार का, कभी ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, तो कभी बच्चों को घुमा के लेके आती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश हुई है आज गुड़गांव में, तो बाय। 1 घंटा हो चुका है लाइव में, बाय बाय।